नमस्कार, मैं तनुबोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। खबर आगरा से है, जहां कल 16 फरवरी ऑल इंडिया अब्बासी विकास मंच के प्रदेश अध्यक्ष जनाब उस्मान अब्बास के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलवामा में मारे गए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने सेंजन चौराहे से शहीद स्मारक तक कैंडल मार्च निकाला। पुलवामा में आतंकियों की कायरतापूर्ण करतूत से आगरा शहर ही नहीं पूरे देश में गुस्सा भरा हुआ है। श्री उस्मान अब्बास ने कहा कि राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम भारत सरकार से शहीदों की कुर्बानी को इंसाफ की मांग करते हैं। ये कुर्बानी जाया न जाने पाए, चाहे भारत सरकार को किसी भी हद तक जाना पड़े। इस दुख की घड़ी में हम देश और देश के वीर जवानों और उनके परिवार के साथ हैं। इस मौके पर जिला अध्यक्ष इशाक अब्बास, शहर अध्यक्ष अलीमुद्दीन अब्बास, लियाकत अब्बासी, मीडिया प्रभारी जमील अब्बासी, यूथ जिलाध्यक्ष इमरान अब्बासी, समीर अब्बासी, मुवीन वजीर अब्बासी, अकील अब्बासी आदि मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए सलामुद्दीन अब्बासी की खास रिपोर्ट। सबसे पहले आपको परिचय जाना चाहेंगे। मोहम्मद इमरान अब्बासी, लॉबिंग ऑल इंडिया अब्बासी डेवलपमेंट का जिलाध्यक्ष आगरा से। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से सिर्फ इतना यही कहना चाहते हैं, जो पाकिस्तान ने घिनौनी हरकत की हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों के साथ, नौजवानों के साथ, उनकी शहादत पे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से यही कहना चाहते हैं, अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से, कि अब जो करना है कर डालिए और पाकिस्तान का नक्शा मिटा डालिए। सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, जय हिंदुस्तान, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के साथ पूरा मुस्लिम समाज, पूरे हिंदुस्तान की जनता साथ है, सेना के साथ कांधे से कांधे मिलाकर चलने के लिए तैयार है।